एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता सिंह और श्वेता किचन हेल्दी एंड टेस्टी कुकिंग में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने वाली हूँ व्रत में खाए जाने वाला लॉलीपॉप, क्रिस्पी लॉलीपॉप। ये बहुत ही टेस्टी होता है और इसे आप व्रत में ही नहीं, वैसे भी आप बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी हो, उसमें आप इसे स्टार्टर के रूप में सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो देखते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 4 से 5 बड़े आलूओं को बॉयल करके मैश कर लिया है। 1 कप राजगीर का आटा है, 1 कप है। यहाँ पे मैंने मूंगफली को रोस्ट करके ग्राइंडर में डाल के ऐसे पीस लिया है दरदरा। और 1 कप है साबूदाना भिगोया हुआ, ये छोटा वाला साबूदाना है, इसे मैंने 1 घंटे के लिए भिगा दिया था और अब मैं इसे छान ली हूँ। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक, 2 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, नमक स्वाद के अनुसार। 1 छोटा चम्मच है काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच है लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच है जीरा पाउडर। यहाँ पे आप काली मिर्च या हरी मिर्च को अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साबूदाना इसमें डाल देंगे आलू में। साबूदाना डालने के बाद डालेंगे राजगीर का आटा और ये मूंगफली को जो मैंने दरदरा पीसा था ये भी इसमें डालेंगे। और फिर डालेंगे काली मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और फिर हरी मिर्च, अदरक ग्रेट किया हुआ और हरा धनिया। और अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे ये बर्तन छोटा पड़ रहा है तो मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करके मिक्स कर लूंगी। और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा अपने हाथ पे घी या तेल लगाएंगे, फिर उसके बाद इसमें से थोड़ा थोड़ा ये मिक्सचर निकालेंगे और इसे राउंड शेप में बनाएंगे। और ऐसे ही हम और भी बना लेंगे। और ये देखिए, इसे मैंने ऐसे बना लिया है। आप अपने मनपसंद आकार में इसे बना सकते हैं। क्योंकि मैं लॉलीपॉप बना रही हूँ इसके लिए मैंने ऐसा शेप दिया है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करते हैं। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब तक तेल हमारा गर्म हो रहा है तब तक हम हरी चटनी बना लेते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं हरी चटनी। यहाँ पे मैंने थोड़ा धनिया लिया है, इसे धुल लिया है अच्छे से। और यहाँ थोड़ा सा पुदीना है, पुदीना के पत्ते, 2 हरी मिर्च, 1 छोटे टमाटर को काट लिया है और सेंधा नमक है स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा पानी लिया है। तो अब हम चटनी बनाएंगे। सबसे पहले मैं ये धनिया डालूंगी मिक्सर में, 2 हरी मिर्च, पुदीना के पत्ते, टमाटर, सेंधा नमक और थोड़ा सा पानी और इसे बंद करके पीस लेंगे इसे। और ये देखिए, ये चटनी बिल्कुल तैयार है। तो अब इसे हम एक बर्तन में ट्रांसफर करेंगे। तो ये देखिए, व्रत के लिए हरी चटनी हमारी तैयार है। और ये देखिए, तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसमें बारी बारी से ये
बॉल्स को डालेंगे। और इसे हल्के से चलाएंगे ऐसे, और इसे हम हाई फ्लेम पे ही हल्का ब्राउन होने तक तलेंगे। और ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रहा है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अभी हम थोड़ा सा और इसे फ्राई करेंगे, फिर निकाल लेंगे। और ये देखिए, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। और ये देखिए, इसे मैंने निकाल लिया है, और ऐसे ही और भी लॉलीपॉप को हम तल लेंगे। और ये देखिए, व्रत के लिए क्रिस्पी लॉलीपॉप हमारा बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बना है ये। इसे आप स्टार्टर के रूप में भी नॉर्मली खा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसे फास्ट में ही बनाएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।